एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार उन्हें आपके यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आज हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 के मॉडल प्रश्न पत्र के तहत दूसरे सेट पर बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने एक इसका मॉडल पेपर का प्रथम सेट आपके सामने रखा था। आशा है आप सभी ने उसको हल किया होगा। यदि कोई समस्या आई होगी तो उसका भी समाधान आपने किया होगा। अब दूसरे सेट की बात करते हैं और दूसरे सेट पर चलने से पहले एक निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी इस पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे जो भी सेट रखे जाएंगे या इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब बात करते हैं दूसरे सेट पर, लेकिन उससे पहले एक कुछ सामान्य निर्देश जो कि आपको दूसरे सेट को हल करने से पहले ध्यान रखने हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और वो सारे निर्देश ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे कि आपने प्रथम सेट को हल करने से पहले देखे थे। और ये सभी कॉमन निर्देश हैं। ये निर्देश प्रत्येक मॉडल पेपर के सेट के लिए आवश्यक रहेंगे। इन्हीं निर्देशों के तहत आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। आइए देखते हैं मॉडल पेपर का द्वितीय या दूसरा सेट। इसमें भी सबसे पहले जो पहला प्रश्न होगा, जैसा कि हमने पहले सेट में देखा था, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें पहला जो प्रश्न है वो 10 भागों में बटा हुआ होगा, अर्थात उसमें ऐवे सैदे वाले या बहु विकल्प वाले 10 प्रश्न आपके सामने आएंगे जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आप इनको हल करने से पहले इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे उस हिसाब से इनको आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार से पहले प्रश्न में 10 बहु विकल्प वाले प्रश्नों के बाद इसी पार्ट ए में फिर हमारे पास प्रश्न नंबर 2 से, जैसे कि देख रहे प्रश्न नंबर 2 है, अल्पाधिकार में विकुंचित मांग वक्र का उपयोग, यहां से लेकर के और प्रश्न संख्या 11 तक ये ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको एक लाइन या दो लाइन में आपको देने हैं, और लगभग दो लाइन में उत्तर आपका पूरा हो सकता है आसानी से। अब पेपर का दूसरा सेट आता है सेक्शन बी। ये सेक्शन बी ऐसा सेट है जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, अर्थात इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 2 या 3 लाइनों में देना होगा, जिसमें आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 12 से लेकर के और आपके पास प्रश्न संख्या 19 तक है। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से जवाब दें इनका और सही सही करने का प्रयास करें। इसके बाद आपका सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी जो है, यहीं से फिर महत्वपूर्ण स्थिति आ जाती है। यहाँ जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, अर्थात आपको उन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न का चयन करके उत्तर लिखना है, और जहां तक संभव है दोनों प्रश्न एक ही यूनिट से आने की स्थिति बनी रहती है। जैसा कि आप 20वां प्रश्न देख रहे हैं, आय के चक्राकार प्रवाह को स्पष्ट करें, जो कि राष्ट्रीय आय के चैप्टर से संबंधित है। इसी में जो दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये प्रश्न भी हमारा उसी यूनिट से संबद्ध है। ये जो प्रश्न होंगे सेक्शन सी के, ये सभी प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 21 है, तालिका वाला प्रश्न, यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, निम्न तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सूत्रों की सहायता से जो जो रिक्त स्थान इसमें दिए गए हैं उनके मान उत्तर पुस्तिका में निकालने हैं, और निकालने के बाद फिर आपको टेबल बना करके उन रिक्त स्थानों पर जो मान आपने सूत्रों की सहायता से प्राप्त किए हैं उन मानों को यहाँ पर अंकित करना है। यहाँ पर आप ऐसी गलती कभी भी नहीं करें कि आप मान रफ में या अलग से निकाल लें और केवल टेबल में भर दें और उत्तर पुस्तिका में उनका जो सूत्रों की सहायता से निकाले हैं उनका अंकन नहीं हो। इसलिए सूत्रों की सहायता से मान निकाल करके ही आप इसमें तालिका बना करके उसमें अंकन करें। दोनों ही तालिका वाले प्रश्न है, दोनों में इसी नियम से कार्य करना है। प्रश्न संख्या 22 है, मुद्रा के 4 कार्य या बजट के कोई 4 उद्देश्य, सीधा सा प्रश्न है, इसमें आपको 4 कार्य समझाने हैं या बजट के कोई 4 उद्देश्य लिखने हैं। 23वां प्रश्न भी ठीक इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि मांग मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन को स्पष्ट करिए। स्पष्ट करने का मतलब है यहाँ आपको रेखा चित्रों के द्वारा प्रश्न की व्याख्या करनी है, रेखा चित्र बनाने हैं
और उन रेखा चित्रों को स्पष्ट करना है। इसी प्रकार से पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में भी आपको मांग वक्र बनाने हैं और मांग वक्रों के आधार पर प्रश्न को स्पष्ट करना है। ये सभी प्रश्न चार चार अंक वाले हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन डी, डी सेक्शन आता है। इस सेक्शन डी में जो दो प्रश्न होंगे दोनों प्रश्न पांच पांच अंक के होंगे। इनमें भी आपके पास ऑप्शन है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से आपको किसी भी एक प्रश्न को हल करना है। जैसे कि 24वां प्रश्न है उपभोग फलन की अवधारणा को विस्तार से समझाइए, यहाँ पर आपको कीन्स की अवधारणा समझानी है, सूत्र भी देना है और साथ के साथ रेखा चित्र के द्वारा इस अवधारणा को विस्तार से समझाना है। इसी प्रकार से पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता जो एमईसी है, एमईसी की अवधारणा को भी आपको सूत्र की सहायता से और साथ में रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। 25वां प्रश्न है हमारा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की अवस्थाएं, जिनको कि हमें रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। और इसी प्रकार से इसमें अथवा में प्रश्न है टीएफसी, टीवीसी और टीसी की जो अवधारणा है उनको हमें सारणी बना करके मान निकालने हैं और उनको फिर रेखा चित्र की सहायता से हमें स्पष्ट करना है। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है ई सेक्शन। ई सेक्शन में प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा, जैसा कि आपको अच्छी तरह से मालूम है। और 6 अंक वाले प्रश्नों में इस बार जैसा कि आपको पूर्व में ही बताया था मैंने, तीन तीन ऑप्शन दे रखे हैं प्रत्येक प्रश्न में, अर्थात तीन प्रश्न दिए हुए हैं और इनमें से आपको केवल एक प्रश्न हल करना है। या विशेष ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि आप जल्दबाजी में एक से ज्यादा प्रश्न एक ही प्रश्न से हल कर दें, ऐसी गलती आप भूल करके भी नहीं करें। और जितना प्रश्न में पूछा गया है उतना ही जवाब आपको लिखना है, चाहे आपको उसका ज्यादा उत्तर आता है लेकिन उसको आपको नहीं लिखना है। जो चीजें पूछी गई हैं, जैसे कि व्यापारिक बैंक की पहले परिभाषा लिखनी है, परिभाषा के बाद उसके फिर किन्हीं चार कार्यों को स्पष्ट करना है। इसी प्रकार से केंद्रीय बैंक को परिभाषित करना है कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, क्या परिभाषा है इसकी, और उसके जो मुख्य चार कार्य हैं उनका वर्णन करना है। इसी प्रकार से मुद्रा को मुद्रा की परिभाषा देनी है और परिभाषा देने के बाद वर्तमान समय में या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मुद्रा क्यों महत्वपूर्ण है और उसका महत्व क्या है, इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको समझाना है। फिर हमारे पास प्रश्न संख्या 27, बजट घाटा क्या होता है, बजट घाटे के प्रकारों का वर्णन करना है। दूसरा जैसे है राष्ट्रीय आय मापन की आय संगणना और व्यय संगणना विधि। अब यहाँ ध्यान रखें, क्योंकि आपने राष्ट्रीय आय मापन की तीन विधियां पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी विधि पूछी गई, दो विधि पूछी गई है, आय संगणना और व्यय संगणना। इसलिए आपको केवल इन दो विधियों को ही वर्णन करना है, इन्हीं को समझाना है, तीसरी विधि को यहाँ पर आपको नहीं देना है। इसी प्रकार से फिर आगे कह रहा है बजट को परिभाषित करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बजट के महत्व पर अपने विचार लिखने हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बजट क्यों महत्वपूर्ण होता है, उससे क्या क्या हमारे आवश्यकताएं पूरी होती हैं, देश की किन आवश्यकताओं के इसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं, उस पर अपने विचार आपको लिखने हैं। और लास्ट प्रश्न हमारा 28 है, जिसमें पहला है समय अवधि के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पर समय अवधि के आधार पर अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन चार भागों में जो बांटा गया है उसको हमें रेखा चित्रों के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको समझाना है। इसमें अथवा वाला जो प्रश्न है एकाधिकार बाजार क्या होता है, इसको पहले हमें परिभाषा द्वारा समझाना है। फिर कह रहा है फर्म के मांग वक्र की अवधारणा, अर्थात एकाधिकारी जो बाजार है उसमें फर्म का एआर वक्र, जो कि फर्म का मांग वक्र कहलाता है, उसको सारणी और रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट आपको करना है। और जो तीसरा इसका ऑप्शन है अल्पाधिकार बाजार क्या होता है, अल्पाधिकार बाजार को समझाना है। और फिर अल्पाधिकार बाजार में कीमत परिदृढ़ता और विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा, इन दोनों अवधारणाओं को क्लियरली समझाना है, आवश्यक रेखा चित्र देना है। सभी रेखा चित्रों को बनाने में आपको विशेष ध्यान रखना है कि उनका नामांकन अवश्य किया जाए, नामांकन करने के बाद ही आप रेखा चित्र का निर्माण करें, जिससे कि इसी प्रकार की कोई गलती इसमें नहीं हो। इस प्रकार से आप 3.25 घंटे में ही, जैसा कि पेपर का समय भी निर्धारित होता है, उसमें इस पूरे पेपर को हल करने का प्रयास करें। और यदि आप पेपर में कोई दिक्कत हो तो किसी प्रकार की परेशानी आपको महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ भी सकते हैं। और पूरे पेपर को यदि आप चाहते हैं कि वो पेपर चेक करके आपकी जो उसमें क्या आपका परफॉर्मेंस रही है उसकी जानकारी आपको दी जाए, तो नीचे यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, AK इकोनॉमिक्स
12@gmail.com इस पर भी आप प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित रूप से यदि आप पेपर को ध्यान से हल करते हैं, समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ये जो परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में बहुत सहायता करेगा, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।